ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अगर संस्कार नहीं बदलेंगे, पता ना उसी दिन एक कर्म की घटना सुनाई थी आपको, अगर हम अभी ब्राह्मण बन करके कोई गलत संस्कार में हो जाते हैं, एक का हजार गुना बन जाता है, क्योंकि प्राप्ति भी कितनी है। वो उसी दिन कौरव पांडव की बात सुनाई थी मैंने आपको, दोबारा सुनाता हूं इसको। एक बार की बात है, कौरव बड़े हो गए, पांडव बड़े हो गए, तो सबको लगता है आप राजकुमार की, सब कहते हैं जो योग्य है उसको राजकुमार बनाया जाए, तो सबको लगता है योग्य कौन होगा। तो अचानक पांडव कौरव की परीक्षा ली गई, तो एक दरबार बिठाया था और उस दरबार में अचानक चार व्यक्ति को पकड़ करके लाया। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा दुर्योधन को, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी कोई केस आएगी, तुम उसको क्या सजा दोगे। इन चार लोगों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया है। तो दुर्योधन जोर से उठता है, कहता है मर्डर क्या है, इन चारों के भी गले काट दो, मर्डर करो, मर्डर का बदला मर्डर। कहा कि अच्छा ठीक है बैठो। फिर यही प्रश्न युधिष्ठिर को पूछा गया, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, इन चार व्यक्ति ने एक व्यक्ति को मारा हुआ है, तो आप क्या सजा दोगे। तो युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहता है मैं इनकी वर्ण जाति पूछना चाहता हूं। तो शकुनी उठ करके कहता है जाति से का मतलब है, क्योंकि वो अपने भांजे का ही भाग ये लेता है। कहता है मतलब है, तब तो पूछा है। तो सब कहते हैं नहीं बताओ बताओ। कहा कि इसमें से एक शूद्र है, दूसरा एक वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय है, चौथा ब्राह्मण है, चार कुल के चार हैं। तो ये सुनने के बाद और युधिष्ठिर गंभीर हो गया, फिर कहता है इसमें से जो शूद्र हैं उसको 2 साल की सजा दो, ये भी मर्डर करने में शामिल था, और इसमें से शूद्र हैं वैश्य हैं उसको 4 साल की सजा। शूद्र को 2 साल की, वैश्य को 4 साल की, और उसको 6 साल की सजा दो। और कहते हैं इसमें जो ब्राह्मण है उसको क्या सजा देने, मैं नहीं कहूंगा, आचार्य द्रोण बैठे वो बताएंगे। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, तो भी गलत काम किया। तो ये वर्तमान संगम युग की बातें हैं। आज हमें कभी क्षुद्र थे, गलतियां की माफ हो सकती है, वैश्य में की माफ हो सकती है, क्षत्रिय में की माफ हो सकती है, लेकिन अगर ब्राह्मण ज्ञानी बनकर के गलत काम किया उसको कोई भी माफ। इसलिए ज्ञानी बनकर के कोई गलत काम, ये तो कई कहते जब हम पहले आए थे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, जब आए थे बाबा ने बोझ सारे उतार दिया, हल्का कर दिया, लेकिन जैसे ज्ञान में चलने लगे, कई कहते हम मधुबन में गए थे, मेरे रूम में एक माता जी थी, कहते हम साकार मम्मा बाबा को मिले हैं, लेकिन एक दिन भी अमृत वाला नहीं उठी थी। और हम तो नए नए हैं, हम चलता है मिस हुआ तो, बाहर का खाया तो चलता है, दूसरों को देखेंगे, किसी का एग्जाम्पल देंगे, कहेंगे गृहस्थी हैं, और नियमों को दबाएंगे तोड़ेंगे, तो एक का कितना गुना हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं नियम को कभी नहीं तोड़ो। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए हाथ सब खड़ा करते हैं, लक्ष्मी नारायण बनना है, और नियमों पर मन चलने के लिए कहेंगे बाबा हम गृहस्थ में रहते हैं ना, तो बाबा कहेगा अच्छा गृहस्थ में रहते दास दासी बन जाओ। नियमों पर के लिए कहेंगे गृहस्थ में रहते हैं, और पद पाने के लिए कहेंगे, इसलिए चाहे गृहस्थी में हो चाहे हमें नियम प्रमाण चलना है, और जो नियमों को फॉलो करता है संस्कार बदलेंगे।